Hello student, I am Nitish Kumar. I am just going to teach you a organic 12th class chapter. तो आज पहला क्लास है ये 12th का और इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक सेक्शन को पढ़ने वाले हैं। इस फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स। तो ये चैप्टर का पहला नेम है अल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स। तो इसकी कुछ पहले इंट्रोडक्शन करते हैं और इसका कुछ बेसिक नेमिंग करते हैं, फिर इसके बाद में इसमें डेप्थ इसका मैकेनिज्म इसका रिएक्शन को स्टडी करते हैं। तो पहले हम लोग इसकी कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अल्काइल हैलाइड का। तो एक पार्ट इसका अल्काइल ग्रुप है और दूसरा जो है वो हैलाइड, यानी अगर हम कहें हैलाइड को एक्स अल्काइल ग्रुप को आर तो इनको एड कर दें तो ये रिप्रेजेंटेशन है अल्काइल हैलाइड की। अगर हम कहें एराइल हैलाइड तो एराइल में एराइल ग्रुप होना जरूरी है, तो एराइल जो है इसको अगर हम बेंजीन का डेरिवेटिव कहें और ये एक्स कह दें तो ये रिप्रेजेंटेशन है हम लोग का एराइल हैलाइड का। तो उसमें एक्स का होना जरूरी है। अब बात करते हैं ये एक्स है क्या, तो हम लोग बेसिक बात जानते हैं कि एक्स है क्या, हैलोजन एटम है जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और क्या आता है आयोडीन। ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन ये अल्काइल ग्रुप से अगर अटैच हो तो उनको हम अल्काइल हैलाइड, अगर एराइल ग्रुप से अगर अटैच हो तो वो हम कहेंगे कि ये एराइल हैलाइड है। अगर इसकी और थोड़ा नजदीक से देखें, एक एग्जांपल लेते हैं CH3Cl, इसमें का हमने यहाँ पर Cl लिया और R के जगह पर हमने क्या लिया, ये मिथाइल ग्रुप लिया, तो इसको बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। अगर इसको देखो ये बनेगा कहाँ से, तो ये मिथाइल जो आता है वो मीथेन से आता है। अगर हम इसको मीथेन ऐसे लिखें तो आप देखो इसमें हमको हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना है और इसके जगह पर क्या अटैच कर देना है क्लोरीन, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। इसमें देखो कि इसमें एक हाइड्रोजन हटा है और यहाँ पर एक क्लोरीन अटैच है, बाकी सभी वैसा ही है। इसमें देखो एक ही बॉन्ड है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, सेम वही बॉन्ड है हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो बॉन्ड की नंबर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, सिर्फ हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है हाइड्रोजन के द्वारा। तो ये हमारा अल्केन है और ये हमारा अल्काइल हैलाइड है, यानी अल्केन का ही एक डेरिवेटिव फॉर्म है अल्काइल हैलाइड। या इसको अगर हम बोले इसका रिप्रेजेंटेशन करें RH, तो RH रियल में क्या है अल्केन। इस अल्केन से हम हाइड्रोजन को हटाते हैं और वहां पर X को लाते हैं, X ये कोई भी हो सकता है, तो ये कैसा हो जाएगा R और X, इसके बॉन्ड में कोई चेंजिंग नहीं हुआ और X जिस R से अटैच है, यहाँ पर देखो ये Cl इस कार्बन से अटैच है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 और यहाँ पर भी sp3, तो इसमें का चेंजिंग करने पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ न बॉन्ड में कोई चेंजिंग हो रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होकर हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस हो जाते हैं और ये कंपाउंड्स जो बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। तो ये अल्काइल हैलाइड का कुछ बेसिक एग्जांपल है। अगर हम बात करें एराइल हैलाइड, तो एराइल हैलाइड में भी अगर एक एग्जांपल लें ऐसे, ये ऐसे लिखते हैं, ये क्या है फिनाइल क्लोराइड है या हम इसको क्लोरोबेंजीन भी बोलते हैं। तो ये बना कैसे होगा, तो एरोमेटिक बेंजीन यूनिट से यहां पर ऐसा लगा होगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और यहां पर क्या अटैच हो गया क्लोरीन। फिर से देखो इनमें जितने बॉन्ड है सेम टू सेम बॉन्ड वही है,
हाइड्रोजन एटम ही सिर्फ सीएल से रिप्लेस हुए हैं, बाकी सब वही है। इसकी अगर हम हाइब्रिडाइजेशन को चेक करें तो बेंजीन का जो ये कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, और यहाँ पर भी देखें तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो जो कुछ भी हम लोग अल्काइल और एराइल हैलाइड्स के बारे में अगर पढ़ेंगे तो समझो कि वो अल्केन से या एरिन से ही वो डेराइव हुए होंगे, और कुछ उसमें हाइड्रोजन हटेगा और उसके जगह पर क्या होगा, एक्स आएगा, एक्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो इस तरह से जो कंपाउंड बनेंगे वो हमारा अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड कहलाएंगे। इसमें थोड़ा और नजदीक से देखें कि इसमें हाइड्रोजन को हटाकर एक्स अटैच हुआ है, तो जितने इसमें हाइड्रोजन है, एक ही नहीं, एक से ज्यादा भी हम हटा सकते हैं। अगर सपोज करो कि दो हाइड्रोजन को हटाएं तो दो हमारा हाइड्रोजन अटैच हो सकता है, तीन हाइड्रोजन को भी हटाकर तीन हाइड्रोजन अटैच हो सकता है। तो ये सभी के सभी हमारा अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड कहलाएंगे, लेकिन उनमें हाइड्रोजन की एक्स की जो नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, चार पांच छह भी हो सकते हैं, तो इनके नंबर के बेस पर हम कुछ और इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम के बेस पर हम इसको और क्लासिफाइड कर सकते हैं। ऑन द क्लासिफिकेशन अगर लिखें, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हैलोजन। ओके, अगर कहें कि एक ऐसा कार्बन और उसमें एक ही एक्स है, एक से ज्यादा एक्स नहीं है, बाकी सब कार्बन और हाइड्रोजन है, सिर्फ एक ही एक्स है, इसका मतलब ये है कि ये अल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाया गया है और वहां पर एक ही एक्स अटैच हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनो हैलो अल्केन। हैलो अल्केन है, हैलो का मतलब हैलोजन से है, इसमें एक ही वन एक्स आएगा। अगर कोई अल्केन है उसमें दो हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर दे और उसके जगह पर दो हैलोजन उसमें अटैच हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, मोनो के जगह पर क्या आ जाएगा, डाई हैलो अल्केन। सेम टू सेम अगर तीन हाइड्रोजन अगर अटैच हो जाए, तीन हाइड्रोजन को हटाकर तीन हैलोजन अगर अटैच दिखे या उस कंपाउंड में तीन हैलोजन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राई हैलो अल्केन या ट्राई हैलोजिनेटेड अल्केन। चार का नाम भी वही है, टेट्रा हैलोजिनेटेड अल्केन, चार से अगर अधिक हो जाता है तो उसको हम लोग पोली हैलो अल्केन बोल देते हैं। ठीक, तो वन बाय वन करके पढ़ेंगे कि मोनो हैलो अल्केन क्या है, डाई हैलो अल्केन क्या है, ट्राई हैलो अल्केन क्या है, पोली हैलो अल्केन क्या है। तो बस ये जानना है कि मोनो हैलो अल्केन में एक ही हैलोजन होना चाहिए, डाई हैलो अल्केन में सिर्फ दो होना चाहिए, ट्राई हैलो में तीन होना चाहिए, टेट्रा हैलो अल्केन में चार होना चाहिए, और पेंटा हैलो अल्केन या पोली हैलो अल्केन में चार से ज्यादा होना चाहिए। तो मोनो हैलो अल्केन में के बारे में सबसे ज्यादा हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर हम कहें कि CH3CH2Cl, अब देखो इस कंपाउंड में एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक ही हाइड्रोजन अटैच है, तो ये हमारा क्या है, मोनो हैलोजिनेटेड कंपाउंड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल क्लोराइड या क्लोरो इथेन पढ़ेंगे। ठीक, सेम टू सेम अगर कहें कि ये CH3Cl है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो मिथेन या मिथाइल क्लोराइड कहेंगे। अब देखो ये मिथेन से बना है, उसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक क्लोरीन को हमने अटैच कर दिया, तो ये हमारा मिथाइल क्लोराइड है, इसमें हाइड्रोजन की नंबर एक ही है, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है, मोनो हैलो अल्केन का। तो ये हमारा अल्काइल हैलाइड के एग्जांपल है, मोनो अल्काइल हैलाइड। सेम टू सेम एराइल ग्रुप में भी हम ऐसे अटैच कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि ये हमारा बेंजीन है,
ऐसे इसमें 6 हाइड्रोजन होंगे, एक ही को मैं दिखा रहा हूं। इस हाइड्रोजन को हटाकर एक ही HCl अगर अटैच कर दो तो ये हमारा किसका एग्जांपल है, मोनो हेलो अल्किन का। ठीक, इसको हम लोग फिनाइल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन कहेंगे, लेकिन ये जो एग्जांपल है वो किसका है, मोनो हेलो अल्किन। अब इसे आगे चलते हैं कि अगर दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए दो हेलोजन के द्वारा, तो उसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, डाई हेलो अल्किन। डाई हेलो अल्किन में दो हेलोजन होना जरूरी है। इसे आप देखो, कहीं पर एग्जांपल अगर ऐसा लिख दे CH2 इस तरह से, इसमें कंपाउंड में क्या है कि दोनों एडजेसेंट हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दोनों एडजेसेंट को अटैच हुए हैं। इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ हेलोजन है, तो दो है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, डाई हेलो अल्केन का। ठीक, ये एडजेसेंट कार्बन पर अटैच है, तो इसको हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग भीसनल डाई हेलाइड का फॉर्मेट कहते हैं, भीसनल डाई हेलाइड का ये एग्जाम्पल है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, एक और लिख दें, तो एक ही कार्बन पर दो क्लोरीन है, ये भी हम लोगों का क्या है, डाई हेलो अल्केन का एग्जाम्पल है। तो एक कार्बन पर दो हेलोजन आते हैं, उसको हम लोग जेम बोलते हैं, या जेमिनल से डिराइव फॉर्म है। तो जेम का मतलब होता है एक ही कार्बन पर दो हेलोजन हो, तो ये भी हमारा डाई हेलाइड का एग्जाम्पल है, ये भी हमारा डाई हेलाइड का एग्जाम्पल है। एडजेसेंट को भीसनल एक ही पर है तो जेम। ऐसे अगर हो, ये ना भीसनल है और ना ये जेम है, लेकिन ये हमारा क्या है, डाई हेलो कंपाउंड है या डाई हेलो अल्केन है। तो एक ऐसे कंपाउंड जिसमें दो हेलोजन हो उसको हम लोग डाई हेलो अल्केन बोलेंगे। अगर एराइल ग्रुप की अगर बात करें, तो एराइल ग्रुप में 6 हाइड्रोजन है, कोई दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, ये ऑर्थो पोजीशन पर है दोनों, ये भी हमारा क्या है, डाई हेलो अल्केन का एग्जाम्पल है। ठीक, ये भी लिख सकते हैं और ये भी हम लिख सकते हैं। देख, ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पर है, तो क्या लिख सकते हैं, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पारा डाइक्लोरो बेंजीन। ये जितने भी है वो सभी के सभी डाई हेलो अल्केन का एग्जाम्पल है। हमेशा याद रखना है कि डाई हेलो अल्केन किसको बोलेंगे, तो एक ऐसे अल्केन का डेरिवेटिव जिसमें दो हाइड्रोजन को रिप्लेस दो हेलोजन कर दिया हो, तो वो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई हेलो। सेम टू सेम हम और बोल सकते हैं ट्राई हेलो अल्केन। ट्राई हेलो अल्केन में वही कहानी, इसमें 3 हाइड्रोजन हमारा क्या होंगे, रिप्लेस होंगे, और 3 हाइड्रोजन ग्रुप क्या हो जाए, अटैच हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो अल्केन। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है CHCl3, मीथेन से अगर 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए और 3 क्लोरीन आ जाए, ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल हो गया किसका, ट्राई हेलो अल्केन का। ठीक, इसको हम लोग ट्राइक्लोरोमीथेन IUPAC नेम बोलते हैं, लेकिन सबसे फेमस इसका नेम है क्या, क्लोरोफॉर्म। इसका कॉमन नेम जो है क्लोरोफॉर्म सबसे फेमस है। अगर यहीं पर CHBr3 हो जाए तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रोमोफॉर्म। अगर आयोडीन हो जाए CHI3 तो इसका नाम क्या होगा, आयोडोफॉर्म। अगर फ्लोरीन है तो उसको हम लोग फ्लोरो फॉर्म बोलेंगे। लेकिन ये सभी के सभी जो एग्जांपल है वो हमारा क्या है, ट्राई हेलो अल्केन का। ठीक, ट्राई हेलो अल्केन का ऐसे एग्जांपल है। अगर हम इसको ऐसे लिखें, ये अगर बेंजीन है, अगर इसमें हम 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें और 3 क्लोरीन से रिप्लेस कर दें, तो ये भी हमारा क्या होगा, ट्राई हेलो अल्केन का एग्जाम्पल है। इसकी अगर नेमिंग करें तो 1, 2, 3,
ट्राइक्लोरो बेंजीन, ये इसका नाम। ऐसे भी हो सकता है कि थोड़ा पोजीशन को हम लोग चेंज कर दें, ये सीएल अगर यहां पर लगा दें, फिर भी इसको ट्राई हेलो अल्केन ही बोलेंगे। इसका नेमिंग क्या होगा, 1, 2, 3, 4 ट्राइक्लोरो बेंजीन। ऐसे भी एक और इसमें बन सकते हैं, जिसको ऐसे लिख सकते हैं 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5 तो 1, 3, 5 ट्राइक्लोरो बेंजीन। खैर नेमिंग तो अलग बात है, लेकिन हमको सिर्फ ये भी पहचानना क्या है कि ट्राई हेलो अल्केन किसको बोलेंगे। तो ऐसे हेलो अल्केन जिसमें तीन हेलोजन हो तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्राई हेलो अल्केन। टेट्रा हेलो अल्केन के लिए वही कहानी, जिसमें चार हाइड्रोजन अल्केन से रिप्लेस हो जाए और उसमें चार हेलोजन आकर अटैच हो जाए तो उसको हम लोग टेट्रा हेलो अल्केन बोलेंगे। टेट्रा हेलो अल्केन, इसमें अल्केन से चार हाइड्रोजन को निकालना है और चार हेलोजन को अटैच करना है। जी इसका अगर एग्जांपल अगर लें CCl4, ठीक, एक बहुत नॉन पोलर सॉल्वेंट है टेट्राक्लोरो, टेट्राक्लोरो मिथेन। तो ये हम लोगों का एक एग्जांपल है टेट्रा हेलो अल्केन का। इसी तरह से और भी पोली हेलो अल्केन अगर हम बात करें, पोली हेलो अल्केन इसका अर्थ यह है कि चार से जिसमें ज्यादा हो उसको हम लोग पोली हेलो अल्केन में लिख सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल हमें याद आ रहा है, जैसे साइक्लोहेक्सेन में 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसमें देखो किसमें कितने हेलोजन है, 6। तो ये हम क्या करेंगे कि इसको पोली हेलो अल्केन के एग्जांपल में रखेंगे। ये बेंजीन का डेरिवेटिव है, इसका नाम है कॉमन नाम बेंजीन हेक्सा क्लोराइड और इसी को हम लोग BHC बोलते हैं। ये एक इंसेक्टाइड है। अगर IUPAC अगर नेमिंग करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। आगे पढ़ेंगे कि इसको हम लोग 666 भी बोलते हैं। ये रियल में BHC है, जिसमें ये तो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उसमें 3 इक्वेटोरियल में और 3 एक्सियल में एग्जिस्ट करते हैं। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो एग्जांपल है वो पोली हेलो अल्केन का है। तो एक चीज क्लियर कर लिए कि मोनो हेलो अल्केन किसको बोलेंगे, डाई हेलो अल्केन किसको बोलेंगे, ट्राई टेट्रा एंड पोली हेलो अल्केन किसको बोलेंगे। एक और क्लासिफिकेशन हम लोग को खास करके पढ़ना होता है मोनो हेलो अल्केन का। उनकी हाइड्रोजन की पोजीशन अलग अलग कार्बन पर होने के कारण उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो उस मोनो हेलो अल्केन को हम लोग 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे। मोनो हेलो अल्केन को जिसको हम लोग प्राइमरी मोनोहेलो अल्केन, सेकेंडरी एंड टर्शियरी मोनोहेलो अल्केन कहेंगे। कुछ भी हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, उसमें एक ही हेलोजन एटम होना जरूरी है। प्राइमरी किसको बोलेंगे, सेकेंडरी किसको बोलेंगे, टर्शियरी किसको बोलेंगे, ये चीज बताते हैं। अगर एक ऐसा कार्बन जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और उस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं हो, सिर्फ अल्काइल ग्रुप हो, तो ये हमारा टर्शियरी कार्बन कहलाता है।
और ये टर्शियरी कार्बन पर अगर एक्स अटैच है तो उसको हम लोग टर्शियरी मोनोहेलो अल्केन बोलेंगे। सेकेंडरी की अगर हम पहचान करें तो ये जिस कार्बन से अटैच हो हाइब्रिडाइजेशन तो उसका एसपी थ्री होना ही चाहिए, उस पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन हो और बाकी दो बॉन्ड के साथ है और दूसरा कार्बन हो, तो ये पहचान किसकी है? सेकेंडरी का। टर्शियरी में हाइब्रिडाइजेशन इसका भी एसपी थ्री ही होना चाहिए और यहां पर एक कार्बन अटैच हो, ठीक, तो ये हमारा किसका एग्जांपल होगा? प्राइमरी का। तो यानी हम कह सकते हैं कि इसमें तीन कार्बन अटैच हो, हाइड्रोजन की नंबर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? दो कार्बन अटैच हो और एक हाइड्रोजन अटैच हो, और इनमें क्या होना चाहिए कि एक कार्बन अटैच हो और दो हाइड्रोजन अटैच हो। इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल जो होता है वो हमारा प्राइमरी का ही है, ठीक है, जिसको अगर मिथाइल क्लोराइड अगर हम लोग लिख दें तो ये हमारा सिंपलेस्ट वन डिग्री के हैलाइड है। तो इस तरह से ये सभी मोनो हैलोजिनेटेड है, लेकिन ये प्राइमरी, ये टर्शियरी, ये सेकेंडरी और ये हमारा प्राइमरी है। कुछ हम लोग एग्जांपल लेते हैं जिसे आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है और कौन टर्शियरी है। जैसे अगर एग्जांपल अगर हम लोग लें ऐसा, ये साइक्लोहेक्सेन है और यहाँ पर CH3 लगा दें, ये टॉलिन है, यहाँ पर अगर ये Cl अटैच हो जाए तो कहेंगे कि ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी, तो देखेंगे कि ये इसमें एक ही हैलोजन है तो ये मोनो हैलोजिनेटेड कंपाउंड है। अब ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शियरी, तो इसको देखो जिस कार्बन से अटैच है उनकी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, इनके चार बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ तीन कार्बन अटैच है और हाइड्रोजन की नंबर क्या है? जीरो, तो ये हमारा टर्शियरी मोनो हैलोजिनेटेड कंपाउंड है। अगर यही Cl जो है यहां से हटाकर अगर हम यहां लगा दें, ठीक, तो हम इसको देखो यहां पर क्या है, चार बॉन्ड है, एक हाई है हाइड्रोजन और दो साइड में ये कार्बन है, तो ये जो लोकेशन है वो सेकेंडरी है, तो अगर ये यहां पर आएगा तो ये हमारा सेकेंडरी हैलाइड कहलाएगा, ठीक है, लेकिन ये भी मोनो हैलोजन का ही ये डेरिवेटिव है। अब ये यहां पर आए, यहां आए, यहां आए और यहां आए, सभी किसी भी जगह पर सेम कहानी को ये रिपीट करेगा, लेकिन अगर ये ही हैलोजन यहां पर अटैच कर दे तो देख ये किसका एग्जांपल हो गया? मोनो हैलोजिनेटेड तो है ही, लेकिन ये प्राइमरी है, ये वन डिग्री का। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कंपाउंड में तुरंत सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये वन डिग्री मोनो हैलोजिनेटेड है कि टू डिग्री है या थ्री डिग्री है, और इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। और भी कुछ एग्जांपल है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का जो आगे पढ़ रहे हैं। जैसे अगर एक ग्रुप आता है CH2CH2DC, इसको देखो कि अगर यहां पर अगर हाइड्रोजन है तो इसको हम बोलते हैं एलाइल कार्बन। अगर ये हाइड्रोजन को हटा दें तो इसका नाम हो जाएगा एलाइलिक ग्रुप। इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमारा क्या है? sp3। अगर हम इसमें इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर एक हाइड्रोजन को अटैच कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन को अटैच कर सकते हैं, ठीक, तो एक हाइड्रोजन को अटैच कर सकते हैं CH2, इसको देखो तो इसका नाम हो जाता है एलाइलिक क्लोराइड। अब देखो इसमें एक हैलोजन है तो क्या कहेंगे कि ये मोनो हैलोजिनेटेड कंपाउंड है, ओके, मोनो हैलोजिनेटेड कंपाउंड है, ये जिस कार्बन से अटैच है वो क्या है? sp3। अगर ये sp3 है तो देखेंगे कि ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है या 3 डिग्री, तो थोड़ा इस पर गौर करें,
ये sp3 कार्बन है और इस पर दो हाइड्रोजन और एक कार्बन अटैच है, तो ये एलाइलिक क्लोराइड जो है वो हमारा कितने डिग्री का रहेगा, 1 डिग्री। ये प्राइमरी एलाइलिक क्लोराइड का एग्जांपल है। अगर इसको हम सेकेंडरी बनाना अगर चाहे तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई ना कोई कार्बन कंपाउंड्स यहाँ अटैच हो जाए, जैसे अगर हम यहाँ पर मिथाइल को ही अटैच कर दे तो देखो ये एक हाइड्रोजन और दो अल्काइल ग्रुप अटैच है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, ये बहुत जरूरी है। हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 होना जरूरी है। तो ये जो है एलाइलिक का एग्जांपल है, लेकिन ये कितना डिग्री का एलाइलिक क्लोराइड है, ये 2 डिग्री। अगर यही अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस किसी और कार्बन कंपाउंड से अगर कर दें या कार्बन ग्रुप से अगर कर दें, ठीक, तो हमारा ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, टर्शियरी का, ठीक है। तो ये हमारा टर्शियरी के एलाइलिक के कंपाउंड है, ठीक। तो ये कुछ एग्जांपल है मोनो हेलो अल्केन का एलाइलिक ग्रुप से रिलेटेड। एक और इसे के साथ आता है बेंजाइल ग्रुप, उसकी अगर हम लोग बात करें, ये हमारा बेंजीन है, ये हाइड्रोजन, इसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं। अगर इस हाइड्रोजन को हटा दें तो ये हमारा फिनाइल ग्रुप हो गया। अगर इस फिनाइल ग्रुप पर CH3 लगा दे तो इसको हम लोग टॉलिन कहेंगे। इस टॉलिन से दो हाइड्रोजन को रखकर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे तो ये जो ग्रुप बनेगा वो कहलाता है बेंजाइल ग्रुप। ये है हमारा एज ए होल, दीज आर कॉल्ड द बेंजाइल ग्रुप, ठीक। इसकी हाइब्रिडाइजेशन को अगर चेक करें तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। अगर इस हाइड्रोजन को हटाकर अगर x यहाँ अटैच हो जाए तो ये भी हमारा मोनो हैलोजिनेटेड कंपाउंड कहलाएगा। अगर हम यहाँ पर अगर x अटैच कर दें तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल हैलाइड, ठीक। ये बेंजाइल ग्रुप हटाकर यहाँ पर क्या लिख दें, बेंजाइल हैलाइड, ठीक, ओके, बेंजाइल हैलाइड। अब इसको देखो कि ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, क्योंकि हम लोग क्या चीज सीख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजिनेटेड कंपाउंड का। तो देखो ये एक्स जिस कार्बन से अटैच है हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और जिसमें अटैच है उस पर दो हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड। अगर यहीं पर अगर हम सेकेंडरी चाहें तो क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को हटाएंगे और दूसरा कोई कार्बन कंपाउंड अटैच हो जाए या कार्बन ग्रुप अगर अटैच हो जाए, जैसे मान लो CH3 और यहाँ पर ये BR लिख दिया, ये भी हमारा बेंजाइलिक है, लेकिन ये हमारा क्या है, सेकेंडरी बेंजाइलिक या 2 डिग्री बेंजाइलिक है। सेम टू सेम अगर हम इसको टर्शियरी बेंजाइलिक लिखना चाहें तो क्या करना होगा, एक भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए या सभी जगह पर क्या होना चाहिए, कार्बन स्पेसिज होना चाहिए। तो ये जो एग्जांपल हो गया हमारा टर्शियरी बेंजाइलिक का। लेकिन प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, लेकिन एज ए होल इसमें एक ही हाइड्रोजन है, इसलिए इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो हैलोजिनेटेड कंपाउंड बोलेंगे। एक और बेंजाइल से रिलेटेड एक और ग्रुप है, जैसे अभी हमने बताया कि ये बेंजीन है, एक हाइड्रोजन हट जाए तो ये फिनाइल, अगर यहाँ पर ये लग जाए तो क्या बोलते हैं, टॉलिन। और अभी हमने एक हाइड्रोजन को हटाया था, ठीक है, तो ये ग्रुप को क्या बताया था, बेंजाइल। अगर एक हाइड्रोजन को और हटा दे तो इसका अर्थ ये है कि 2 ग्रुप खाली हो गया। तो ये जो एग्जाम्पल हम लोग को मिलने वाला है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजल। आगे हम डाइहैलाइड में इसको पढ़ाएंगे, ठीक। अब इसको भी हम हटा सकते हैं, इस 3 हाइड्रोजन को हटाकर इसमें 3 हाइड्रोजन अटैच कर दें, ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजो ग्रुप, ये बेंजल ग्रुप, ओके। लेकिन ये हमारा मोनो हैलोजिनेटेड नहीं बन सकता है, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन को अगर हटाएंगे तो ये हमारा डाई हैलोजिनेटेड का कंपाउंड आएगा, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन को हटाकर 3 हैलोजन आएगा, ठीक,
तो वो हमारा मोनो हैलोजिनेटेड नहीं कहलाएगा बल्कि ट्राई हैलोजिनेटेड कंपाउंड कहलाएगा। इसके अलावा कुछ और कंपाउंड्स हैं जिसको हम लोग को अच्छा खासा पढ़ना है, जैसे कि एक यहाँ पर ये मलिकता हूँ, ये एक ग्रुप है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है, इसको हम लोग कौन ग्रुप बोलते हैं, विनाइल ग्रुप, और ये जो कार्बन है उसको हम लोग विनाइल कार्बन बोलते हैं। यहाँ पर भी हाइड्रोजन को हटाकर एक्स अटैच कर सकते हैं, देखो इसमें एक एक ही एक्स है, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल होगा, मोनो हैलोजिनेटेड कंपाउंड का, ठीक है। इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सेलेक्ट नहीं करेंगे, इसका नाम हो जाएगा विनाइल हैलाइड, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमारा sp2 है, sp3 में 1 डिग्री 2 डिग्री करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा विनाइल हैलाइड कहलाएगा। अगर जैसे कुछ एग्जांपल लें CH2CHCH, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड। अगर IUPAC नेम अगर करना है तो क्या लिखेंगे, 1-chloroethene, 1-chloroethene इसका IUPAC नेम होगा, लेकिन ये कुछ भी हो ये हमारा मोनो हैलोजिनेटेड का एग्जांपल है। एक और आता है एलाइल हैलाइड, जैसे आप इसे देखो, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए और इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है, तो अगर ये है एक्स आ जाए, ये भी मोनो हैलोजिनेटेड है, लेकिन इसका नाम क्या है, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। अगर किसी इसकी नेमिंग की अगर बात करें, इसको हम लोग कहेंगे फिनाइल क्लोराइड, क्योंकि ये फिनाइल ग्रुप है, या इसको क्लोरोबेंजीन भी हम लिख सकते हैं। तो मोनो हैलोजिनेशन का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ लिए कि 1 डिग्री कैसा है, 2 डिग्री कैसा है और 3 डिग्री कैसा है, तो ये एक हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन है अल्काइल एंड एराइल हैलाइड का। ओके, थैंक यू।